الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وأفدى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدقت يا رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم عزیز دوستو گزشتہ بیان میں بھی یہ آیت ابتدا میں میں نے تلاوت کی تھی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کل بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا عبدالرحیم صاحب کا علماء کا بیان بڑا مفصل ہوتا ہے تفصیل سے پھر اس سے پہلے حنیف صاحب کا بیان ہوا ہمارا بھی دو دن کے بعد نمبر آتا ہے اور یہاں کنیڈا آتے ہوئے مجھے کل پانی کا اثر پڑا کل سے میری طبیعت صحیح نہیں ہے یہاں یعنی اتنے دن صحیح تھا طبیعت کل سے اثر پڑا کہ اب کنیڈا کا پانی ہمیں چینج کر رہا ہے خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے توفیق دی کہ ہم نے جماعت سے نماز پڑھ لی
ये उसके तौफीक से। और अल्लाह से दुआ है कि खालिकी कायनात इसने अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। फिर बात वही शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिस तरह मैंने इब्तदाई बयान में अर्ज किया था, किसी ने हजरत से यह सवाल किया कि हजरत हम जो नमाज पढ़ते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के हां ये कबूल है या नहीं। ये तो एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमात रसूल सहाबा रसूल की बात है जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी भेज दी। हमारा रोजा जक़ात हज खैरात सदक़ात नमाज हशर में पता लगेगा, लेकिन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने फरमाया था कि जिसे अल्लाह तौफीक दे वो जोहर की नमाज में आ जाए मिसाल, और जोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, फिर चला गया अपने काम काज के मसरूफियात करके, फिर असर की नमाज में जमात के साथ फिर शरीक हुआ, फरमाया कि वो दिल में यकीन इत्मीनान कर ले कि उसकी जोहर की नमाज अल्लाह के बारगाह में कबूल हुई तो अल्लाह ने असर में आने की तौफीक दे। इसी तरह असर का नमाज ले लो, इसी तरह मगरिब का नमाज ले लो, इसी तरह ईशा का नमाज ले लो, ये सारे नमाजें इसी तरह ये कबूलियत के लिए उन्होंने फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला, मैं बहुत से मसाजिद में यहां होके आया हूं जो इज्तिमा उम्र फारूक में है मैंने और कहीं नहीं देखा। अल्लाह के फजल करम से नमाजी सबसे ज्यादा कैम्ब्रिज में है, यहां इस मस्जिद में अच्छी अच्छी जगह मस्जिदें बनी हैं और लेकिन नमाजी कम है, यहां सबसे ज्यादा नमाजी है। अल्लाह से दुआ है कि खालिक कायनात हम सबको नमाजी बनाए, गाजी बनाए, मुजाहिद बनाए, फिर इंशाल्लाह काम बनेगा। बात यहां से पर खत्म हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु गारे सौर पे पहुंचे, 3 दिन और 3 रात तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये बात मैंने यहां तक पहुंचा दी, उससे पहले एक 2-4 बातें। हजरत आशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है और हम सब मुसलमानों की मां हैं, इस पे एक और बात बता दूं। हजरत आशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है। तो जब अबू बकर सिद्दीक के घर में अपनी बेटी थी आशा सिद्दीका, तो जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जानशीन सिद्दीक अकबर अपने घर आते थे तो उसकी बेटी आशा उसके एहतराम में, बाप के एहतराम में बेटी खड़ी हो जाती थी, और अच्छे औलाद नेक औलाद वालिदैन के एहतराम और अदब में खड़े हो जाते हैं। फिर यही बेटी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंची, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, अब तमाम मुसलमानों की मां बन गई। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से आशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाप के घर में जब आती तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटी के लिए उठ जाते थे। बेटी ने कहा कि अब्बू आप मेरे लिए न उठा करें, आप मेरे बाप हैं, वालिद हैं मेरे। फरमाया बेटी ये बात तो मैं भी जानता हूं कि तू मेरी बेटी है, लेकिन असल बात ये है कि तू जब मेरे घर में थी तो मेरी बेटी थी, जब नबी के निकाह में आई, जब मुसलमानों की मां हो गई तो मेरी भी मां हो गई, इस वजह से मैं एहतराम आपकी करती हूं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अज़्दवाजी जिंदगी निकाह के साथ निस्बत ये पड़ा कि वो सिर्फ तमाम मुसलमानों की मां उस अंदाज से सिद्दीक अकबर की मां भी बन गई। जिस तरह हर कलमा गो मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तो एक रात अपने सहन आंगन में
हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा आसमान की तरफ देखे तो आसमान पे सितारे का अंजमन चमक रहा है। तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब आसमान की तरफ देखा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसमान के दामन में जितने सितारे हैं इससे भी किसी की नेकियां ज्यादा हो सकती है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हां आशा, उमर की नेकियां इससे भी ज्यादा हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो जब उमर का नाम लिया तो आशा के दिल में अपना बाप का फिक्र पड़ गया कि उमर की नेकियां इतनी है तो मेरे बाप की क्या नेकियां होगी। सिद्दीक आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उमर की नेकियां इस आसमान के सितारों से ज्यादा हैं तो मेरे बाप की नेकियां कितनी हैं। फरमाया आयशा, तेरा बाप जो है सिद्दीक अकबर, उसकी गारे सौर की एक रात की नेकियां उमर की सारी उम्र की नेकियों से भी बुलंद है। तीन रात तीन दिन जो गुजारे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वो एक रात की नेकियां एक तरफ हो, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ हो। इसलिए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी कभी और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया करते थे कि मेरे भाई, हिजरत वाली रात की एक नेकियां दे दो, सारी नेकियां ले लो। फरमाया उमर भाई, ये तो अल्लाह की तकसीम है। तो अजीज दोस्तों, मुशरिकीन मक्का की अमानतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, ये बात हुई और अल्लाह के रसूल जब घर से जा रहे हैं हिजरत करने के लिए तो वो अमानतें अली के हवाले किए, अपना चारपाई भी अली के हवाले किया। फरमाया अली मेरा चादर ओढ़ दो, दुश्मन तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तो ऐसी रात में अगर कोई किसी से कहे कि यहां अमानतें भी संभालो और खतरा है, मेरी चारपाई पे आराम भी कर लो, ये भी तो बड़ी बात है कि चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा, अली ने उस पर अमल किया। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से साथी पूछ रहे हैं कि अली, वो जिस रात में आप सोए थे नबी के बिस्तर पे, कितने खतरे वाली रात थी, जो आपके पास लोगों की अमानतें भी थी, जो अल्लाह के नबी ने कहा कि फलाने फलाने की अमानत है ये उनको सुबह देने हैं, कितने खतरे की रात है, क्या तुम्हें कहीं नींद आया या नहीं आया। तो अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, सारी जिंदगी में इतने सुकून से नहीं सोया जो उस रात मुझे पैगंबर के बिस्तर पे नींद आया। वो अल्लाह पर यकीन करने वाले हैं, हम बंदों पे यकीन करने वाले हैं, बड़ा फर्क है। अल्लाह पर यकीन करने वाले कभी रुसवा ख्वार नहीं होते और बंदों पे यकीन करने वाले हमेशा ठोकरे खाते हैं। एक ही बात है आपके सामने हिजरत की रात कि अल्लाह ने नबी से कहा कि लोगों की अमानतें अली के हवाले करो, लोगों की अमानतों के लिए अमानतदार अली से बेहतर कोई नहीं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अल्लाह की अमानत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खालिक कायनात ने यह फैसला किया कि लोगों की अमानतें अली के हवाले हो जाए और मेरी अमानत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दीक तेरे हवाले हो जाए। ये भी अमानत है, ये भी अमानत है। लोगों की अमानतों का अमीन अली उल मुर्तजा और अल्लाह की अमानतों का अमीन सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। कितना बड़ा मर्तबा है, कितनी बड़ी शान है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की। अच्छा जी,
गारे सौर तक पहुंचे, तीन दिन तीन रात। दुश्मन आए, वापस हुए। उनके अकल मारने के लिए अल्लाह ने वो सारा प्रोग्राम बनाया। मकड़ी को हुक्म दिया जाला बनाओ, कबूतरी को हुक्म दिया घोंसला बनाओ, अंडे दे दो कि आने वाले यहां आके देखें कि इस गार के अंदर कौन कैसे जा सकता है कि जाला न टूटा। और उनकी पांव की आहट नबी ने भी सुनी, सिद्दीक ने भी सुनी। दुश्मन आए यहां तक, और घर से जब निकल रहे थे तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी है अस्मा बिनत अबू बकर, और उसे कहा कि बेटी किसी को यह बताओ नहीं कि हम कहां गए हैं। और यही अस्मा बिनत अबू बकर है कि घर से दूध लेके जाकर गारे सोर में नबी और सिद्दीक को पहुंचाती थी। जब यहां से इनकी रवानी हुई तो वो बड़े बड़े लीडर सरदार जो थे अबू जहल, वो इसी तलाश में कि हम नबी को कहां तलाश करेंगे। देखो, दुश्मन का ये अकीदा है कि अगर हमें नबी मिलेगा तो सिद्दीक के घर से मिलेगा, कि नबी और सिद्दीक अलहदा अलहदा नहीं हो सकते। बड़ी जमात के साथ आया, सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी अस्मा आई, फरमाए पूछा कि तुम्हारा अब्बू कहां है, फरमाया मालूम नहीं। तुम्हारा नबी कहां है, मालूम नहीं। उलमा लिखते हैं कि बालों से बच्ची को पकड़कर जमीन में मारा अबू बकर, अबू जहल ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन बच्ची ने पता नहीं बताया कि नबी कहां है और मेरा अब्बू कहां है। फिर उसके बाद ये चले गए। इतने में गारे सोर में पहुंची अस्मा बिनत अबू बकर दूध लेके। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर अस्मा बिनत अबू बकर के चेहरे पर पड़ी, फरमाए बेटी क्यों, तेरे चेहरे पे निशान है, कुछ परेशान है, कुछ आसार रोने की है, क्या हुआ? फरमाया अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही है। फिर फरमाया बेटी बताओ क्या हुआ। फिर रोते हुए कह दिया कि अल्लाह के रसूल, वो वडेरे आए थे आपका पत्ता पूछने के लिए, मैंने पत्ता आपका नहीं बताया, उन्होंने मारा। फरमाया शाबाश, सिद्दीक की बेटी हो ना, सिद्दीक की बेटी ऐसी होती है, जान तो कुर्बान कर देगी लेकिन नबी का पता नहीं बताएगी। यहां से फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो अपने गुलाम को हुक्म दिया कि सवारी पहुंचाओ। गारे सोर पर सिद्दीक अकबर ने अपने कंधे पर अल्लाह के नबी को बिठा के ऊपर चढ़ाया था कि आज लोग चढ़ के वहां हाथ लगा के चढ़ भी नहीं सकते। नबी को कंधों पे उठाकर सिद्दीक गारे सोर पर ले गए। तीन दिन तीन रात तक उस गार में थे। वहां से फिर रवानगी हुई, सवारी आई, यहां से अब रवाना है आगे मंजिल की तरफ। और महीना भी जून का महीना है, बहुत सख्त गर्मी है, और अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के मदीने की तरफ ये हिजरत कर रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से अल्लाह के नबी कोई काम नहीं करता, अल्लाह का हुक्म होता है। सख्त गर्मी है, अब जा रहे हैं, सवारियों पे सवार है, एक जगह पर रुकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक यहां थोड़ा आराम करते हैं, और एक खेमा नजर आया, फरमाया देखो मालूम करो कहीं पानी है तो पानी लेके आए, प्यास भी लगी, गर्मी है। बहुत बड़ा एक चट्टान पत्थर था जिसके साए में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए थे। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला हो गए तो अम्मा ने कहा घर में तो कोई पानी नहीं, पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाए इनसे पूछे, इनके पास बड़े रेवर बकरियों के होते हैं, अगर बकरी का दूध भी है तो ले लो। उन्होंने कहा कोई बकरी का दूध नहीं, सारे बकरियां मेरा शोहर चराने के लिए जंगल लेके गए। फरमाया एक बकरी खड़ी थी, बड़ी कमजोर थी, और वो भी सूई हुई नहीं, दूध देने वाली बकरी नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा से इजाजत ले लो, अगर आपकी इजाजत है तो हम इससे दूध निकाल लें।
अम्मा हैरान है कि इसमें दूध कहां से आया, इसके तो बच्चे नहीं, कोई ब्याह नहीं है, बच्चे दिए नहीं, दूध कहां से देगी। अम्मा ने इजाजत दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के ऊपर हाथ फेर दिया और अल्लाह से दुआ की, खुदावंदी करीम आज सिद्दीक और नबी तेरे इस घर के मेहमान हैं। तो अल्लाह जब देने पे आता है तो सूखी हुई बकरी से दूधों का फव्वारा निकाल दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के थन पे हाथ रखे, दूध आ गया। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने उसे कहा कि जाओ अम्मा से कहो कि बर्तन लाओ। कमाल की बात तो यह है कि मोहम्मद अरबी ने जिस थनों पे हाथ फेरा, घर के बर्तन तो खत्म हो गए, बकरी में दूध खत्म नहीं हो रहा है। इतना दूध निकला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया, सिद्दीक अकबर ने भी पिया, बाकी जो बचा उनको दे दी। दूध जब दे दिया, रात का उसका शोर आता है घर पे, घर वालों ने पानी मांगा, पानी के बजाय दूध मिला, कितना खुश होगा, मैं पानी मांग रहा हूं दूध मिला। फरमाइए कहां से। उनने सारा किस्सा बयान किया, ऐसे दो शख्स आए थे, इस किस्म के थे, इस किस्म के, बड़े हैरान हुए। फरमाया फिर कहां चले गए। फरमाया इस तरफ चले गए। ओहो, ये तो वो शख्स ना हो जिसके बारे में लोग कहा करते कि मक्के में एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, दुनिया में आए हैं, ये तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कुछ ले लेती उनसे, कुछ हासिल कर लेती। फरमाया सब बातों को समझती हूं लेकिन मेरा सिर्फ इंतजार आपका है, मैं अकेले नहीं, तू मेरे साथ भी जाएगा। तो तारीख सीरत की किताबों में लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूखी हुई बकरी के थनों पे जब हाथ लगाया, उससे दूध निकाला, इतना दूध निकलता था कि 9 आदमी पेट भर के दूध पी सकता है, उसका रोजाना ही मामूल था। सिद्दीक अकबर के दौर में बकरी जिंदा ही इतना ही दूध है, उमर के जमाने में बकरी जिंदा है इतना दूध दे रही है। तो जिस बकरी के थनों पर नबी का हाथ लग जाए उसका दूध चालू हो जाता है। जिस घर में नबी पैदा होता है वो घर तमाम घरों से अफजल फिर है। जिस शेर में नबी आता है वो शेर तमाम शेरों में अफजल है। और जिस नबी का कलमा हम और आप पढ़ेंगे तो तमाम उम्मत से अफजल होंगे इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवानगी इख्तियार करते हैं और अबू जहल ने पीछे लोग लगाए हैं इनाम का लालच देकर कि जाओ नबी को लेके आओ या सर लेके आओ या उनको पकड़ के लेके आओ, इनाम से नवाजूंगा। दुश्मन जा रहे हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, सिद्दीक और नबी करीब करीब है सवारी पर, पीछे देखा तो एक दुश्मन आ रहा है जिसका नाम था इब्ने सुराका। ये बाद में मुसलमान हो गया, इब्ने सुराका। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन करीब आया। फिर कहा दुश्मन करीब आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, फिक्र न कर अल्लाह हमारे साथ। फिर वो करीब हुआ, जब करीब हुआ तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ही करीब हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जमीन देखा बिल्कुल करीब था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से कहा अल्लाह के हुक्म से इसको पकड़ लो, हुजीहे, पकड़ लिया। एक दफा पकड़ लिया, दूसरी दफा पकड़ लिया, फिर वो इल्तिजा करता है, फिर इल्तिजा करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फिर मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मेरा वादा है। काफिर वादा करता है, गैर मुस्लिम वादा करता है, नबी के साथ वो नबारा